दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुबई इतना अमीर देश कैसे बना, इतना पैसा कहाँ से आया और दुबई के शेख ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से लाता है? अगर हम आपसे पूछे कि दुबई के पास पिछले 20 सालों में इतना पैसा कहाँ से आया, तो हमें पता है आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि वहाँ पर तेल की खदानें हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, दुबई में जनरेट होने वाला जितना भी पैसा है उसका 1% ही पैसा तेल की वजह से आता है और बाकी 99% कहाँ से आता है, जिसे जानने के बाद आप ना हैरान हुए तो बताना, क्योंकि आज आप दुबई के उत्सव से रूबरू होंगे जो आपको पूरी तरह से दंग करके रख देगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर देना, जिससे आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दुबई के पास इतना सारा पैसा बाहर के अन्य टूरिस्ट से आता है। 22 साल पीछे चले तो दुबई के पास रेत के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन एक शख्स जिसने दुबई का पूरा नक्शा बदल दिया, वह कोई और नहीं शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम है। और यह ऐसे शख्स है जिन्होंने दूर की सोची और दुबई को आज दुनिया का तीसरे नंबर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ ग्लोबल हब, ग्लोबल डेस्टिनेशन बना डाला। तभी दुनिया भर के अमीर लोग दुबई में जाकर अपना एम्पायर बिल्ड करने की सोचते हैं। उसी के साथ ही आज दुबई एक ऐसी जगह बन गया है जहां आपको सब कुछ टॉप लेवल का मिलेगा, फिर चाहे वह दुनिया का सबसे बड़ा मॉल हो, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग या फिर दुनिया का इकलौता 7-स्टार होटल बुर्ज अल अरब होटल, यह सब दुबई में ही है। जहां रेगिस्तान में ढंग से पेड़ पौधे नहीं उगते, उसी रेगिस्तान वाली जगह पर फूल उगा दिए और दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा आपको दुबई में देखने को मिल जाएगा। इसका नाम दुबई मिरेकल गार्डन है। उसके साथ ही पाम जुमेरा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड है, वह भी आपको दुबई में ही देखने को मिलेगा, जहां पर करोड़ों के घर मिलते हैं। और इस आइलैंड का स्ट्रक्चर गोल भी नहीं है, क्योंकि दुबई के शेख यह बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर वह गोल आइलैंड बनाते हैं तो ज्यादा घर बिल्ड न कर पाते, जिससे वो उतना ज्यादा न कमा पाते। इसी वजह से उन्होंने टैलेंट क्लास से पैसा रखा, जहां पर ज्यादा से ज्यादा घर बनाकर बेच सके, और यही चीज लोगों को और ज्यादा शहर की तरफ अट्रैक्ट करती है। वहां एक ऐसा ड्रोन बनाया जा रहा है जो इंसानों को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा, यानी कि जहां आप टैक्सी और ऑटो का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहीं आपको ड्रोन ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराएगा, जिससे ट्रैफिक के साथ साथ समय की भी काफी बचत होगी। और बात अगर समय की आती है तो हम आपको बता दें दोस्तों, अगर हम दुबई के क्राइम रेट की बात करें तो वह भी लगभग जीरो है, क्योंकि ना तो वहां चोरी चकारी होती है और ना लूटपाट। उसके साथ ही रेप और किडनैपिंग जैसे केस भी वहां पर ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां का सख्त कानून, और वह इसलिए है क्योंकि वहां पर कोई भी क्राइम करते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके अकाउंट से पैसे काट दिए जाएंगे, फिर चाहे वह ट्रैफिक तोड़ने का क्राइम हो या फिर गाड़ी गंदी करके घूमने का। जी हाँ, दुबई में गाड़ी गंदी करने पर भी आपको फाइन देना पड़ सकता है। तो आप खुद ही सोचिए वहाँ पर लूटपाट और रेप जैसे के साथ क्या किया जाता होगा। और इन्हीं सख्त कानूनों के चलते वहाँ के जितने भी लोग हैं, वह हिम्मत ही नहीं कर पाते कि कोई क्राइम करे। दुबई में पुलिस के पास कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं होती, बल्कि सुपर कार होती है जो तुरंत आपको पकड़कर जेल की सलाखों के अंदर डाल देंगे। और ऐसी न जाने कितनी सारी चीजें हैं दुबई के अंदर जो हर आम इंसान को वहां जाने के लिए आकर्षित करती है, और यही वजह है कि आपको सिर्फ दुबई में लोकल 18 से 10% ही मिलेंगे, बाकी वहां पर सभी दूसरे देशों के लोग रहते हैं। और ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि दुबई अपने देश में रहने वाले लोगों से कोई टैक्स नहीं वसूलता, और वहां पर रहने के लिए आपको कोई अलग परमिट की जरूरत नहीं होती। आप जाए और वहां पर आराम से अपना बिजनेस बढ़ाइए और वहां के ऐशो आराम भरी जिंदगी का लुत्फ उठाइए। बस आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं होता वह दुबई जाते तो है लेकिन पैसे कमाने के लिए, और यही सोच दुबई ने सालों से रखी है। और आप जो दुबई में बनी इतनी बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें देखते हैं, वह सब इन्हीं डेवलपमेंट कंट्री की वजह से बनी है, क्योंकि यहीं के लोग वहां जाकर मजदूरी करते हैं और चंद पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।
उसी का उल्टा वहाँ के अमीर लोग एयर कंडीशन, होटल और घरों में बैठकर पूरा एम्पायर चलाते हैं। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि दुबई के पास ना तो इतना तेल से पैसा आता है और ना ही वहाँ की सरकार टैक्स लेती है, बल्कि वहाँ का पूरा पैसा तो ट्रेवलिंग और टूरिज्म से आता है। उसी के साथ ही जितने भी अमीर लोग हैं वह दुबई की शानदार लाइफस्टाइल को जीने के लिए दुबई में बस जाते हैं, जो कि अपने साथ साथ दुबई का भी पूरी तरह से कल्याण करने में जुटे रहते हैं। और यही वजह है कि दुबई आज तरक्की की सीढ़ियों पर बहुत तेजी से चढ़ चुका है और आगे भी अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है। बाकी आपका दुबई के बारे में क्या ख्याल है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।